दोस्तों, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स हैं और यह लोगों के द्वारा बड़ी ही रुचि के साथ खेले जाते हैं। भारत में एक स्पोर्ट्स ऐसा भी है जिसके लिए लोगों में एक अलग प्रकार का ही क्रेज़ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल ना बनकर एक धर्म बन गया है, और अगर हम सचिन तेंदुलकर को इस धर्म का भगवान कहें तो शायद गलत नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर ही वह खिलाड़ी हैं जिसे पूरी दुनिया आज गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है। सचिन ही वह खिलाड़ी हैं जिसने इंडियन क्रिकेट को विश्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। विश्व भर में आज इंडियन क्रिकेट का डंका बजता है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का नाम आज विश्व के महानतम खिलाड़ियों में लिया जाता है। सचिन ही भारतवर्ष के ऐसे सबसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले खिलाड़ी के बारे में अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। 24 अप्रैल सन 1973 को मुंबई के दादर में एक महाराष्ट्रियन परिवार में क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। इनके पिता रमेश तेंदुलकर एक लेखक व नॉवेलिस्ट थे और इनकी माता रजनी एक इंश्योरेंस कंपनी में कार्य करती थी। इनके पिता ने अपने चहेते सिंगर सचिन देव बर्मन के नाम पर अपने बेटे का नाम सचिन रखा था। सचिन दो भाई और एक बहन थे। सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन क्रिकेट खेलना इन्हें बहुत ही पसंद था। सचिन के बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने इन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही वह इन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए और यहीं से शुरू हुआ सचिन का क्रिकेट के भगवान बनने का सफ़र। इनके कोच इन्हें बहुत प्रैक्टिस करवाते थे। सुबह स्कूल जाने से पहले प्रैक्टिस करवाते थे, शाम को स्कूल से लौटने के बाद प्रैक्टिस करवाते थे, और हाई स्कूल के बाद सचिन तकरीबन एक दिन में 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस किया करते थे। और जब सचिन तेंदुलकर थक जाते थे तब इनके कोच रमाकांत इनके स्टंप्स पर 1 रुपये का सिक्का रख देते और बोलते, अगर आज तू आउट नहीं हुआ तो ये सिक्का तेरा। सचिन बताते हैं कि ऐसे 13 सिक्के उनके पास आज भी मौजूद हैं, जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। 1988 में सचिन ने स्टेट लेवल के मैच में मुंबई की तरफ से खेलकर अपने करियर की सबसे पहली सेंचुरी मारी। उनके इसी दमदार परफॉर्मेंस ने सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फिर क्या था, ठीक 11 महीने बाद सचिन को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिला। सचिन ने 1989 में 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इस मैच में पाकिस्तान की पकड़ काफ़ी मजबूत थी, सभी दिग्गज बैट्समैन आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। पाकिस्तान के वसीम अकरम और वकार यूनुस की गेंदबाजी के आगे कोई ना टिक सका। तब एक 16 साल का लड़का क्रीज पर आता है और सामने से वकार यूनुस की 150 की स्पीड से आ रही बॉल सीधे उसके नाक पर लगती है और खून निकलने लगता है। 16 साल का लड़का जिसको गेंद लगी थी, उसके चारों तरफ खून ही खून था। तब सभी भागकर उसके पास उसे देखने आते हैं कि क्या हुआ। दूसरी तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू आता है और बोलता है, तुम रिटायर हर्ट होकर जाओ और जब ठीक हो जाना तब आना। तब उस 16 साल के लड़के ने दो ऐसे शब्द बोले जिसने पूरी इंडियन क्रिकेट को पलट कर रख दिया। वो दो शब्द थे, मैं खेलूँगा। और अगली ही बॉल पर सचिन ने वकार को चौका मार दिया। सचिन और सिद्धू की 101 रन की पारी ने उस हारे हुए मैच को ड्रॉ करवा दिया और वहीं से एक स्टार पैदा हुआ, सचिन तेंदुलकर, जिसे दुनिया आज गॉड ऑफ क्रिकेट बोलती है। और फिर सचिन ने क्रिकेट के इतिहास में हजारों रिकॉर्ड बनाए। सन 2011 में सचिन तेंदुलकर ने भारत को विश्व कप दिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा।